भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम दिन रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, साथ ही केंद्र सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशा अनुसार दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन रविवार को ग्राम नकपुरा स्थित दुग्गड़ भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित हुए। इसी कड़ी में 3 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन जिला लेवल से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 8 वर्षों के कार्यकाल का गुणगान व उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी कड़ी में रविवार को नकपुरा जिला प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम दिन भाजपा के वरिष्ठ व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के वरिष्ठ नेता व मंडल के अपेक्षित पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग विषयों में अपना मार्गदर्शन दिया गया। इस संबंध में मीडिया को डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और विभिन्न कार्य योजना पर बात की। आज समापन अवसर पर मैंने भी यहाँ पे अपनी बात में ही चर्चा कही। केंद्र सरकार मोदी जी 8 साल के स्वर्णिम काल को याद दिलाया कि एक परिवर्तन 14 के बाद देश की राजनीति में कैसे आया। जब 42 लाख लोगों के घरों में उनके बैंक के खाते खुले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 22 लाख करोड़ रुपया का डीबीटी में ट्रांसफर हुआ, 100% राशि उनके खाते में गया, 9 करोड़। जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है उस दृष्टिकोण से प्रशिक्षण का आपके लिए हास्यास्पद है ये इस तरह के बातें करना। ये अगर इसी का शेड्यूल देखेंगे प्रशिक्षण का ही, तो कोरोना के पहले आधा जिलों का प्रशिक्षण हो चुका है। ये तो जब पूरे देश में समाप्ति के कगार पर है, जब कांग्रेस, मुझे तो लगता है 2023 में ही कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत बन जाएगा, ऐसे मोड़ पर इनको प्रशिक्षण का और संकल्प शिविर का और इन सब का याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता कुर्सी के लिए चंद समय के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी एक चंद लोगों को लेकर 300 से अधिक। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।